नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मारुति सुजुकी ब्रेजा इंडिया की नंबर वन सेलिंग एसयूवी रही है, और हर मामले में ये गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी है। चाहे वो बात हो डिज़ाइन की, स्पेस की, माइलेज की, परफॉर्मेंस की, हर मामले में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जब से इसकी कंपटीशन में बाकी की गाड़ियां आई हैं, जैसे कि XUV300, वेन्यू, तब से इस गाड़ी की जो सेल्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये गाड़ी पहली बार 2016 में आई थी, और इसके बाद से इस गाड़ी का कोई भी अपडेट नहीं आया, जिसकी वजह से लोग इसके डिजाइन से थोड़ा सा बोर हो गया। और ऐसे में मारुति जो कि जो है ब्रेजा का नया फेसलिफ्ट वर्जन लाने वाली है 2020 में, इसका पेट्रोल वेरिएंट लाने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेजा फेसलिफ्ट के कुछ मेजर चेंजेस के बारे में। और ऐसा माना जा रहा है कि ये गाड़ी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन अवतार में आने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ तीन काम आपको करने हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कुछ मेजर चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिज़ाइन की, तो फ्रंट में आपको रीडिज़ाइन रेडिएटर ग्रिल देखने को मिलने वाली है विद वर्टिकल क्रोम। जो क्रोम ग्रिल है वो वर्टिकल होगी, और सिल्वर एक्सेंट्स में भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेडलैम्प की, तो आपको रीप्रोफाइल्ड हेडलैम्प मिलने वाले हैं विद LED DRLs। और अगर हम बात करें नीचे की तरफ, तो आपको बम्पर भी बिल्कुल रीडिज़ाइन देखने को मिलेगा। फोग लैम्प का डिज़ाइन जो है कम्प्लीटली चेंज देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें साइड प्रोफाइल की, तो साइड में आपको अलॉय व्हील्स बिल्कुल चेंज नए देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर हम बात करें पीछे की तरफ, तो पीछे कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और ओवरऑल जो गाड़ी का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, वो आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें इंटीरियर्स की, तो आपको ब्लैक थीम बेस्ड इंटीरियर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल नए एडिट फीचर्स की, तो आपको टॉप एंड वेरिएंट में 6 एयरबैग्स, क्रूज कंट्रोल और सनरूफ जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। अगला बड़ा चेंज जो इस गाड़ी में हमें देखने को मिलने वाला है, वो इस गाड़ी का इंजन। तो इस गाड़ी में हमें 1.5 लीटर का K50 नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है, जिसमें हमें मिलती है 105 BHP की पावर एंड 138 Nm का टॉर्क। इस इंजन की खास बात यह है कि इस इंजन में हमें इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर जैसी टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, जो कि प्रोवाइड करती है ऑटोमेटिक व्हीकल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, और जिसकी वजह से ब्रेजा पेट्रोल की जो माइलेज है वो बढ़ने वाली है। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ब्रेजा पेट्रोल में हमें अच्छी माइलेज मिलने वाली है। इसके अलावा इस इंजन को काफ़ी अच्छे से ट्यून किया गया है, रिफाइन किया गया है, जिसकी वजह से इसकी इन कैबिन नॉइज जो है वो बिल्कुल जीरो होने वाली है। और वहीं अगर हम बात करें सिटी गियर लैग्स की, तो वो भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो टर्बो लैग है वो भी देखने को नहीं मिलेगा। कम RPM में भी हमें अच्छी पावर देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये इंजन जो है BS6 कंप्लायंस के सभी रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। और वहीं अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की, तो हमें दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये इंजन देखने को मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रेजा के वेरिएंट्स की। तो माना यह जा रहा है कि जो ब्रेजा है वो तीन अवतार में हमें देखने को मिल सकती है। पहला वो जो कि हमें ऑलरेडी देखने को मिलता है मारुति सुजुकी एरिना से, जो बेची जाएगी नॉर्मल ब्रेजा। और सेकंड इसका प्रीमियम वर्जन, जो कि हमें नेक्सा के आउटलेट्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें ऑलरेडी मारुति XL6 में देखने को मिलता है। एक तो मारुति सुजुकी अर्टिगा और दूसरा इसका एक प्रीमियम वर्जन XL6। और ठीक वैसे ही हमें ब्रेजा में भी देखने को मिल सकता है इसका एक प्रीमियम वर्जन, जो कि नेक्सा के आउटलेट्स में देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके तीसरे अवतार की, तो तीसरा अवतार हमें टोयोटा की तरफ से देखने को मिल सकता है, जैसा कि हमें ग्लांजा में देखने को मिलता है कि ग्लांजा जो है टोयोटा ओन्ड है, और कुछ माइनर चेंजेस करके जो मारुति सुजुकी बलिनो को ही टोयोटा बेचती है, ठीक वैसे ही ब्रेजा को भी टोयोटा की तरफ से बेचा जाएगा। बात करें इस गाड़ी की लॉन्च की, तो ऑफिशियल इस गाड़ी की लॉन्च जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि फरवरी 2020 ऑटो एक्सपो में इस गाड़ी को लॉन्च किया जा सकता है। और वहीं अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो ये गाड़ी जो है 7.62 से लेके 10.64 तक जा सकती है इस गाड़ी की प्राइसिंग। सो दोस्तों, ये थी ब्रेजा की कुछ मेजर अपडेट्स। और ऑटो वर्ल्ड और ब्रेजा की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू, जय हिंद।